ये टिप्स भी आपने दुनिया में कहीं सुने भी होंगे, जब आप गाड़ी चलाते हैं, खाना बनाते हैं, बैठते हैं, कोई भी तरीके का यूज करते हैं, क्योंकि जिंदगी भर आगे झुक झुक के ये रीढ़ की हड्डी में तान आ जाता है और कंप्रेशन होने लगता है नसों में। तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो हल्का सा शोल्डर को पीछे रखना है, ये फ्री की एक्सरसाइज है, उसके लिए समय खराब नहीं करना पड़ रहा है। जो एक्सरसाइज जिसमें समय खराब नहीं होगी, टाइम इज मनी, समय खराब नहीं करना है आपको, फ्री में एक्सरसाइज हो रही है, जब रोटी बेलते हैं तब भी हल्का सा ये कंधे को हल्का पीछे रखना है, और पीछे वॉकिंग करते हैं दोनों हाथ को पीछे ऐसे रख के वॉकिंग करना है, दोनों हाथ को। जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो क्योंकि जिंदगी भर आगे तक एक्सरसाइज हो ही रही है, इस तरीके से पीछे अगर हाथ करके वॉक करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है खिंचाव तनाव जो है स्पाइनल कॉर्ड का पीछे आता है, और जो आगे झुक झुक के आपके नेगेटिव तनाव बढ़ गया वो सीधा पॉजिटिव की तरफ चले जाता है, इस तरीके से वॉक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मॉर्निंग वॉक करें या घर में ऐसे बैठे रहें या कोई जब नहीं है तो बैठे रहें, तो इस तरीके से कंधे को हल्का पीछे रखना है खाना बनाते समय भी, और खाना बनाने के समय बीच में इस तरीके से थोड़ा ऐसे कर लेना है, क्योंकि ज्यादातर लेडीज लोग को प्रॉब्लम झुक झुक के खाना बनाने से ही हो रही है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि अपन आगे झुक जाते हैं। और लेडीज लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है कि वो सुबह 7:30-8 बजे कुछ खाना जरूर है, क्योंकि उस समय अपने शरीर में एसिड निकला रहता है, जो जैन शास्त्र के अनुसार मैं बताया वो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, उस टाइम में नहीं खाएंगे तो बाद में सप्तक को भी खाएंगे तो आपका एसिड जो उस समय रिलीज होगा भी और आपको अंग लगेगा, इसलिए जो जेंट्स है उनको चाहिए कि लेडीज लोगों को बोले कि उस समय में कुछ ना कुछ जरूर खा लें, सबको खिलाने के बाद खाते हैं।